गर्मी में डीजल ज्यादा खाती। मैंने सुना था टायर आजाद कंपनी है, आजाद। अगर आपको भी इसमें नौकरी चाहिए तो वही। हाँ तो रोटी की बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। मोटर मालिक पे नहीं चलेगा। तो आप लगवा सकते हैं इसमें जॉब किसी की, कोई करना चाहे तो। जो रास्ते में खड़े होते हैं वो नहीं लगवा सकते। कोई नुकसान कर गया तो मेरी जिम्मेदारी, हमारे जिम्मेदार होते हैं जो गाँव के। जैसे अगर कोई दूसरा भाई हमारा लगना चाहे तो, जो दूसरे ट्रक रहते हैं उनमें इतनी सैलरी कहाँ मिलती है? 10,000 ट्रक। 10 साल पहले भी इसमें जो फीचर्स आते थे आज के ट्रक से कम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। कल जो भारत बेंस का ट्रक मैंने आपको बताया था वो थोड़ा सा पुराना था, ये थोड़ा और ज़्यादा पुराना है। ये हमारे भाई लोगों का ट्रक है। भाई क्या नाम है आपका? रफीक है नाम है। रफीक, रफीक भाई। भाई का शोएब नाम है। शोएब भाई और रफीक भाई दोनों आराम कर रहे हैं अभी, क्योंकि धूप का टाइम है। और ये रफीक भाई, शोएब भाई, ये काफ़ी पुराने ट्रक लग रहे हैं भारत बेंस के। कितने पुराने हैं ये? 10 साल पुराने। 10 साल दोनों, वो वाला जो खड़ा है और ये वो सात साल पुराना और 10 साल पुराना है। ये 25-23 ट्रक है भारत बेंस का। इसमें भी 6,373 सीसी का इंजन आता है, 224 एचपी की पावर, 810 एनएम का ये टॉर्क जनरेट करता है। और जो अगर आप ऐसे स्पेसिफिकेशन देखोगे तो 25,000 केजी का पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट आता है। 16 टन पासिंग बताएगा, लेकिन ये जो है ज़्यादा पासिंग है इसकी भाई, है ना, 18 टन पासिंग है टोटल इसकी। 18 टन पासिंग है। और अंदर से दिखा देता हूँ मैं, अंदर से दिखा दूँ आपको ट्रक, है ना, खुला है ये ट्रक इधर से। अरे देखिए, पूरा कंटेनर ट्रक है ये। 1, 2, 3, 4, 5 5 × 10। अरे बाप रे, पूरा ये तो बजने लगा है। ग्रीसिंग की ज़रूरत है इसे। ये देखो भाई का, अंदर से ट्रक दिखाऊँ मैं आपको तो ये देखेंगे आप। आए हाय, मतलब ये 10 साल पुराना भारत बेंस का ट्रक है, लेकिन स्टिल ये है कि कंफर्ट तो है। जो मैंने कल आपको बात बताई थी कि ये जो है कंपनी कैबिन होता है, इसलिए काफ़ी कंफर्ट होता है, स्पेशियस लग रहा है। पीछे अच्छा स्लीपर कैबिन टाइप है ये। ये इसका हैंड ब्रेक है, ये इसका गियर है, और डैशबोर्ड काफ़ी ओल्ड है इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है। और पुराने 10 साल पहले भी इसमें जो फीचर्स आते थे आज के ट्रक से कंपेयर करेंगे तो सेम लगेंगे आपको। इसका स्टीयरिंग व्हील है 4-स्पोक का, अंदर से कुछ ऐसा थोड़ा सा टूटा फूटा टाइप है। और बाकी इन्फॉर्मेशन अपन भाई से ले लेंगे। इसकी जो वो वाली सीट तो एडजस्ट होती ही है, ये वाली सीट भी इसकी एडजस्ट हो जाती है इससे आगे पीछे, तो काफ़ी इजी रहता है ये। तो उतरने चढ़ने में भी थोड़ी है भाई के ट्रक को बंद कर दें, ये सब नॉर्मल आता। अभी तो इसमें बेहतरीन पावर विंडो कैमरा देते हैं भारत बेंस के ट्रक में। और नींद आती तो वहाँ पे एक सायरन टाइप रहता है, जैसे आपको नींद का झोंका आएगा टू 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 करके बजने लगता है, मतलब एक सेंसर होता है वो काफ़ी अच्छा है। और ये काफ़ी क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक है इसकी। आप देखेंगे कंटेनर है ये, इसका एयर प्रेशर टैंक वगैरह लगी हुई, बैटरी लगी हुई, 375 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक आता है, पूरा कंटेनर है। और ये बता दूँ बहुत बड़ी कंपनी का ट्रक है। कौन सी कंपनी है भाई ये? DGFC। ये DGFC शायद इंडिया की बहुत बड़ी कंपनियों में आता है, दिल्ली की। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप, जैसे कंपनी के बारे में हमें? कंपनी बड़ी कंपनी है हरियाणा की। हरियाणा कितने ट्रक होंगे टोटल उसमें? 10,000 ट्रक है। 10,000 ट्रक? तो 10,000 ट्रक सारे भारत बेंस ही है क्या? हाँ, ज्यादा भारत बेंस। अच्छा भाई, आप बता रहे थे शोएब भाई कि भारत बेंस के डीलर भी यही है, मतलब ये खुद भी भारत बेंस के डीलर है और ट्रक भी यही चलाते हैं? यही चलाते हैं। इसमें क्या माल कैरी होता है, मतलब इसमें पीएनजी लोड होता है? हाँ, परचून का माल। अच्छा, परचून का माल। तो पूरे जो 10,000 ट्रक है वो टोटल इसी पे चलते हैं? नहीं, कोई तो बाइक में चलता है, कोई कारों में चलता है। अच्छा, मतलब अलग अलग चलते हैं, मतलब खुद के ट्रांसपोर्ट से खुद के उससे चलाते हैं, मतलब डीलरशिप भी उनकी खुद की और 10,000 ट्रक भी उनके खुद के हैं? अपनी बिल्टी है सब। हाँ, सब अपना ही काम है, सब खुद का ही काम है, अपनी बिल्टी से चलते हैं सब। अच्छा, आप दोनों जैसे कब से हैं ड्राइवर फील्ड में? भाई मेरे को 4 साल हो गए। आपको 4 साल हो गए भाई? आपको मेरे को 2-1 साल हो गए। 2-1 साल? तो आपने एकदम से ड्राइवर फील्ड में आने का कैसे सोचा भाई? लोग भाई चला रहे हैं बस। उसके मतलब पहले कोई बिजनेस करने का सोचा था, डायरेक्ट ड्राइवर फील्ड में? ड्राइवर ही करा डायरेक्ट, बिजनेस वगैरह कुछ भी नहीं घर पे? कुछ नहीं, बिजनेस है, खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी है? तो खेती बाड़ी में आपका दिल नहीं लगा? नहीं, खेती बाड़ी घर के करते हैं। अच्छा, घर की खेती। आप लोगों ने ट्रक चलाना कैसे सीखा? भाई दूसरे के साथ आए थे, उसने सिखाया, अब आप चला रहे हैं। क्या सैलरी वगैरह मिल जाती है आपको भाई इसमें? भाई वही 30-35 हज़ार रुपये मंथली? नहीं, महीने। हाँ, मतलब महीने का 30-35 हज़ार। तो वो सैलरी पूरा मिलती है, भत्ता वत्ता सब मिला के? भत्ता मिला के नहीं, सब क्लियर होता है, खर्चा पानी काट के। तो इसमें मतलब महीने के महीने मिलती है या फिर वो रहता है, क्या बोलते हैं वो, पेट्रोल डीजल वगैरह पे जो मिलता है वो मिलता है? नहीं, महीने का। यार इसमें सैलरी तो अच्छी मिल रही है यार, बाकी जो दूसरे ट्रक रहते हैं उनमें इतनी सैलरी कहाँ मिलती है? इंडिया परमिट कहीं भी जाना पड़ सकता है।
कहीं भी जाना पड़ सकता है, नेपाल बिहार सब जगह। तो जैसे आपको शायद दो चार दो तीन साल ही हुए, दो चार साल, आपको भी दो साल हुए, सेम सैलरी आपको भी मिलती होगी सबको। तो एकदम से इस ट्रक में आपकी नौकरी कैसे लगी भाई? जैसे अगर कोई दूसरा भाई हमारा लगना चाहे तो बढ़िया लगती है भाई। नहीं नहीं, कैसे लगी मतलब नौकरी? लाइसेंस बनवाना पड़ता है, हैवी लाइसेंस बनेगा। हैवी लाइसेंस के अलावा दूसरा लाइसेंस नहीं? पहले लाइट लाइसेंस बनेगा, राजस्थान में 12 महीने लाइट लाइसेंस बनेगा। हाँ, उसके बाद हैवी बन जाएगा, उसके बाद हैवी बन जाएगा। हाँ, तो फिर ये या इस कंपनी में नौकरी कैसे मिलेगी जो आप बता आप कर रहे हो? हमारे फोरमैन होते हैं भाई, हमारे हमारे जिम्मेदार होते हैं जो गांव के। हाँ, उनके थ्रू मिलती है। तो आपके गांव में कोई करते थे इस कंपनी में? फिलहाल भी है। फिलहाल भी है। हाँ। तो उनकी वजह से आपको मिल गई? हाँ, वो हमारी जिम्मेदारी लेते, गारंटर हैं वो आपके? हम गारंटर हैं। अच्छा, वही मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें आपको एकदम से नौकरी कैसे मिल गई? एकदम से नहीं मिली, गारंटर होता है हमारा। अच्छा, पूरी जिम्मेदारी लेता है हमारा वो। हाँ, सब चीज कोई नुकसान कर गया तो मेरी जिम्मेदारी। अच्छा, सब तरह की मेरी जिम्मेदारी, तब जाके इतनी सैलरी मिल रही। क्योंकि मैंने देखा कोई से बहुत सारे भाई हैं जो 5-7 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वही 15-20 हज़ार ही कमाते हैं। नहीं भाई, 30 या 35 हज़ार, 35 से कम ऊपर नहीं बढ़ता है। इससे ऊपर नहीं बढ़ता? तो इससे कम में नहीं बढ़ता है? नहीं कम, 30 या 35। 30 या 35, लेकिन आप जितने पुराने होते जाएंगे उतना तो बढ़ेगा ना आपकी पेमेंट? तो बढ़ेगा भाई। तो ये कंटेनर ट्रक में ये फायदा है यार, इन ट्रक में वैसे जो बॉर्डर और आरटीओ की परेशानी वो भी नहीं झेलनी पड़ती होगी आपको? परेशानी तो झेलनी पड़ती। तो आपकी तो इतनी बड़ी कंपनी है ये DGFC, जहाँ पर मंथली जाती है कंपनी की, वहाँ तो कोई कुछ नहीं कहता। हाँ, जहाँ मंथली नहीं जाती वहाँ देना पड़ता। एक आदमी रुकवा भी नहीं सकता, कोई जो रास्ते में खड़े होते हैं वो नहीं रुकवा सकता। हाँ, जो रास्ते में खड़े होते वो नहीं, लेकिन बॉर्डर पर ही देना पड़ता है। अच्छा, बॉर्डर पे जो आप लोगों को पर्ची देते हैं तो वो हाथ वाली पर्ची दे देते हैं या फिर वो ऑनलाइन? कंप्यूटर वाली। कंप्यूटर? हाँ, वो हाथ वाली। तो क्योंकि हाथ वाली पर्ची नहीं चलाते। आप लोग जैसे हरियाणा के हैं, राजस्थान से आपका आना जाना होता रहता होगा? राजस्थान का मैं हूँ, ये हरियाणा का। मैंने सुना है भाई राजस्थान में आरटीओ बहुत ज्यादा परेशान करता है। मैं राजस्थान का। हाँ, तो वही बात बता रहा हूँ, ज्यादातर ड्राइवर भाई बोलते हैं कि राजस्थान में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर परेशान करता है आरटीओ तो राजस्थान में। ऐसा है क्या? तो मतलब क्या लूटपाट करते हैं वो लोग? क्या करते हैं? जबरदस्ती चालान कर देते हैं। अच्छा, तो आपकी जैसे इस गाड़ी को रोकते होंगे तो आपका जेब से तो नहीं लगता होगा इसमें? नहीं, ऑनलाइन है। ऑनलाइन होता है, डायरेक्ट आप सेठ को बता देते हो? कंपनी को भाग भरती है जब पासिंग होती गाड़ी। अच्छा, जैसे आप दोनों भाई लोगे तो आप लगवा सकते हैं इसमें जॉब किसी की कोई करना चाहे तो? भाई हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अभी आपकी जिम्मेवारी, मतलब वो इसमें वही गारंटर होना पड़ता है जो लेगा। अच्छा, कोई अगर डायरेक्ट करना चाहता है तो इस कंपनी में जाके संपर्क करके नहीं कर सकता? नहीं, वो नहीं कर सकता। अच्छा, गारंटर के तौर पे ही रखेंगे तब जाके इसमें नौकरी मिलेगी? गारंटर के तौर पे मिलती है गाड़ी, इसमें मिलती है। अच्छा, 35 लाख रुपए की गाड़ी इसमें मिलती है। अच्छा, इसका भाड़ा वाड़ा सब वो तो वही देखते होंगे? वो तो मालिक देखते हैं, है ना। हमको अपनी बस उससे मतलब है, सैलरी से मतलब है बस आपकी। और इसका जो मेंटेनेंस होता है, सर्विस वगैरह, वो तो आपको देखना पड़ती होगी ना? नहीं, वो कंपनी देखती है सब, कंपनी करती है। हाँ। अच्छा, भारत बेंस के अलावा और कोई से ट्रक चलाए आप लोगों ने? नहीं भाई, भारत बेंस के अलावा नहीं चलाया। तो आपने भारत बेंस का ट्रक चलाया तो कैसा लगा भाई आपको? भाई ये समय कार में बैठा हो, सीट से कार में बैठा हो, कार वाला सिस्टम है पूरा। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे आप भारत बेंस का ट्रक नहीं लेना चाहिए, मतलब ऐसा क्यों? वो मेंटेनेंस महंगा है इसका, मोटर मालिक पे नहीं चलेगा। मोटर मालिक पे नहीं चलेगा, सिंगल मोटर मालिक पे नहीं चलेगा, महंगा। 900 रुपए का तो इसका शीशा है, कौन चलाएगा? कौन सा शीशा? ये साइड शीशा, ये खाली 900 रुपए का ग्लास ही ग्लास है, ग्लास ही ग्लास है 900 रुपए का। अरे बाप रे बाप, इसके मोटर मालिक नहीं चलाएगा। पार्ट्स वार्ट्स भी इसके थोड़े से महंगे आते हैं, महंगे, सबसे ज्यादा महंगे है ना, इस वजह से सिंगल मोटर मालिक। मर्सिडीज वालों की गाड़ी? हाँ, मर्सिडीज वालों की तो है, तो उस हिसाब से मेंटेनेंस होता होगा। हाँ। लेकिन भाई इसमें आता है कंपनी केबिन, बाकी ट्रक में जो कंपनी केबिन टाटा वाटा में नहीं आता है। हाँ। जैसे टाटा की जो बाहर से जिनकी बॉडी बनती है, हाँ, वो इतना कंफर्ट नहीं रहता जितना ये अंदर से कंफर्ट है। यही तो बात है। इसमें एसी आता है? नहीं, कूलर है इसमें। कूलर है, नई गाड़ी है ना इससे? हाँ, उसमें एसी आता है। हाँ, नई गाड़ी में तो एसी आ रहा है, ये बहुत पुरानी है इसलिए इसमें एसी नहीं आता है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, जैसे पूरा कंटेनर में बना हुआ है, ये कंटेनर खोल के इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि ये जहाँ से इसमें सील लगती है तो जहाँ माल उतरता है वहीं इसकी सील हटती है। तो ना तो ये भाई लोग इसको खोल के देख सकते, ना अपन लोग देख सकते हैं, माल वाले देखेगा, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता, वरना बता देता। और ये वाला जो है मेरे ख्याल से PNG लोड करते हैं, भोपाल से PNG लोड करते हो? कहाँ जाते हो आप? यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हो सीधे? कितने टाइम में पहुँच जाओगे आप? दूसरे दिन पहुंच जाएंगे। भगाने भगाने में कैसी है भाई ये भारत बेंस? नहीं, भगाने में सही है बस, दूसरे कल शाम को घर पहुंच जाएंगे।
कल शाम को घर पहुंच जाओगे। हाँ, उसे दूसरे दिन खाली करने ले जाएंगे। अच्छा, मतलब महीने में कंटिन्यू चलाते रहते हो गाड़ी आप? कंटिन्यू चलाते। खाने पीने का क्या करते हो? खाने पीने होटल खाते हैं। अच्छा, सैलरी अच्छी है तो बनाते बनाते नहीं होंगे आप लोग? नहीं बनाते हैं। बनाना पड़ जाता है, जहाँ रोटी नहीं मिलती तमिलनाडु में बनाना पड़ता है। अरे हाँ, वो थोड़ा साउथ साइड जाते हैं, जैसे आप हो मैं भी हूँ, जैसे रोटी खाने वाले इंसान चावल इतने खाते नहीं है। एमपी में रोटी मिल जाती है। हाँ, एमपी में अपन में रोटी मिल जाती है, महाराष्ट्र में मिल जाती है, तमिलनाडु वहाँ जाके बनाना, क्योंकि वहाँ चावल के अलावा कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता, चावल ही चावल। मैं भी गया था ना वहाँ घूमने, तो परेशान हो गया था, चावल रोटी नहीं मिल रही थी, मिलती नहीं है। हाँ, तो रोटी की बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। तो खाना पीना आप मतलब होटल वगैरह में कर लेते हो, सैलरी इसमें अच्छी मिल जाती है। और देखो भाई, आप जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग अगर आपको भी इसमें नौकरी चाहिए तो वही गारंटर आपको ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्ट कंपनी में नहीं मिलती है। जैसे भाई लोगों से भी मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि वो कैसे गारंटी ले लें अगर नहीं जानते किसी को, तो ये बात है। तो आपको अगर इसमें जैसे DGFG अब 10,000 ट्रक है, बहुत बड़ा ब्रांड है, इसीलिए सैलरी अच्छी मिलती है। तो इस टाइप के ट्रक में अगर आपको जॉब चाहिए, आप बहुत से लोग जॉब का मुझसे बोलते रहते हो, तो उसमें यही रहता है कि आपको गारंटर ढूंढना पड़ेगा। जो अब 10,000 ट्रक है तो कोई ना कोई पहचान तो निकल ही जाएगी आप लोगों की जो इसको चलाता होगा, तो उनसे बात करके आप ऐसे इसमें वर्क कर सकते हो। ये एक जरिया है इसमें काम करने का, जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, क्योंकि इसमें सैलरी अच्छी। आपके साथ कोई हेल्पर वगैरह नहीं चलते इसमें? नहीं, हेल्पर नहीं रहते। हेल्पर रहते ही नहीं है इसमें? आराम से चलते हैं भाई, जहाँ मन करता सो जाते हैं शाम को लोग। अच्छा, वो सुकून वाली आजाद कंपनी है। आजाद कंपनी है। हाँ, मतलब इसमें ड्राइवर बहुत सुखी है। ना RTO की कोई ज्यादा परेशानी नहीं, ना बॉर्डर की परेशानी, नहीं, नहीं। पूरा कंपनी का हेडेक है। जब मन करता है जब चलते हैं भाई। अरे तो भाई 10,000 ट्रक लेके भी तो घूम रहा है सामने वाला, तो फिर इतनी तो बना के रखी होगी उन्होंने अपनी। रात को उसको 8 बजे से बाद में कोई वो नहीं है अलाउड, मतलब रात में 8 बजे के बाद ये ट्रक नहीं चलते होंगे, है ना? सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बस, उससे ज्यादा नहीं चलते। चलो भाई, कंपनी का अलाउड नहीं, कंपनी अलाउ नहीं करती है। तो भाई, ये हमने पूरा वीडियो आपको बता दिया, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिल पाई भाई लोगों से वो भी मैंने आपको बता दी। अभी भाई लोग, आप लोग निकल ही रहे हैं? हैं, थोड़ा सा और ये धूप का ठंडा मौसम हो जाए। क्यों, गर्मी में नहीं चलाते क्या गाड़ी? गर्मी में नहीं, क्यों? डीजल खाती है गर्मी में, डीजल ज्यादा खाती। मैंने सुना था टायर की दिक्कत आती है डीजल का, पहली बार गर्म होगा तो डीजल भी ज्यादा खाएगी। डीजल ज्यादा खाती गर्मी में, ऐसा क्यों होता है? टायर फटेंगे। अच्छा, गर्म हो गए, गर्म होकर टायर भी फटेंगे और डीजल भी ज्यादा खाती है। एवरेज क्या देता है ये? 4.30 का एवरेज निकाल देता है। तो भाई, ये मैंने एवरेज भी बता दिया आपको, जो भी इन्फॉर्मेशन मिल पाई पूरी मैंने आपको कवर करके बता दी। तो ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो भाई लोगों के साथ, और ये इन्फॉर्मेशन जो मिल पाई वो भी क्लियरली बता दी। अब दोनों ट्रक सेम है, दोनों बताने से मतलब नहीं है, हाईवे पे मैं खड़ा हूँ। तो ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो गाइस, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।